प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आवंटन शुरू हो चुका है। इससे हरियाणा के 1,26,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। गरीबों के बीच मई और जून के महीने में 5 किलो गेहूँ का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। यह गेहूँ NFSA बेनिफिशियरी को मिलेगा। टोटल 1,26,00,000 के लगभग बेनिफिशियरीज को इससे सहायता पहुंचेगी। स्टेट को 1,26,000 मीट्रिक टन का आवंटन हुआ है, जिसमें 35,000 मीट्रिक टन स्टेट ने उठा लिया है। राशन विक्रेता ने बताया कि वे निशुल्क राशन आवंटित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और ग्राहकों से भी मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ऊपर से राशन फ्री आया हुआ है जी, इन लोगों का कुंडी में डिपो है मेरा, यहाँ पे राशन फ्री वितरण कर रहा हूँ जी। जितने लोग आते हैं सबका सैनिटाइज करा के जी तब राशन देता हूँ जी। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो ऐसे राशन नहीं देंगे। लाभार्थियों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में निशुल्क खाद्य सामग्री मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है और वे इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। गेहूँ मिलते हैं मेरे को, पर सरकार इतना ही बहुत अच्छा कर रही है कि 2 महीने का राशन फ्री देगी। वो कुछ नहीं मिले, दाल सब्जी नहीं मिलेगी तो नमक रोटी तो खा ही लेंगे अगर नाश्ताना घर में होगा। राशन 40 किलो मिलता है, आज का फैमिली है हमारे, राशन फ्री मिल रहा है, सुविधा बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन में हम लोग के बाल बच्चे के गुजारा हो रहा है, सरकारी तरह से बहुत ठीक काम कर रहे हैं। पहले तो 20 किलो मिलते थे, अब हमें 2 महीने के बढ़ा दिया, फिर 20 किलो 40 किलो हो गए हैं। और हम BPL की तरफ से मतलब बोलना चाहते हैं कि मतलब हमें राशन ठीक ठाक मिलता है।